हाय गाइस, मैं हूँ विम्पी और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने का एक बहुत ही अजीब सा तरीका। मतलब मेकअप रिमूव करना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमेशा हमें नाइट में मेकअप को रिमूव करके ही सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो स्किन में जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, जिससे आपको स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो तरीका जैसा भी हो, मेकअप रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन मैं पहले ही डाल चुकी हूँ अपने वीडियो में, तो उसे देखना मत भूलिएगा। मॉर्निंग रूटीन भी मैंने शेयर किया हुआ है, लिंक मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन्हें देखने में तो मैं लिंक दे दूंगी, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आएगी एक नोटिफिकेशन बेल, उसे भी प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आपको मेरे जो फ्यूचर के नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहेंगे। और ये इस वीडियो को शुरू करेंगे हम जल्दी से बिना किसी देरी के। और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ गार्नियर माइसेलर वाटर, और ये आपके पास होना चाहिए। मतलब ये नहीं है तो आप अगर ये नहीं है तो कोई ना कोई माइसेलर वाटर आपके पास होना ही चाहिए। आप इस जो भी मैं कर रही हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ हंसिएगा नहीं, इसे देखने के बाद आपको हंसी ज़रूर आएगी। ये जल्दी से देखेंगे। तो गाइज, इसके लिए आपको चाहिए गार्नियर माइसेलर वाटर, आप कोई भी माइसेलर वाटर ले सकते हैं इसके लिए। और आपको चाहिए कॉटन पैड, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा माइसेलर वाटर जो है आपको डालना है, और उसके बाद आपको इसे दूसरी साइड से ब्लो करना है, फूकना है, फूक मारना है आपको। और आप जैसे ही फूक मारेंगे आप देखेंगे कि इस पर से झाग निकलेगा और आप इसे एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। सीरियसली गाइज, अगर आपको पसंद नहीं है कॉटन पैड से डायरेक्टली माइसेलर वाटर को लगाना, तो आप इस तरीके से ये जो झाग है, लेदर जो है, इसे आप इकट्ठा करके इस तरीके से आप माइसेलर वाटर को एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, कुछ लोगों को ना पसंद नहीं होता कॉटन के ऊपर जब वो लेते हैं माइसेलर वाटर को, तो जब वो रब करते हैं अपने फेस को तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उस वजह से रेडनेस आ जाती है हमारे चेहरे पर। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ये जो ब्यूटी हैक है ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे आपको दिखाना था कि आप इस तरीके से भी आप अपने माइसेलर वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, आप यूज़ कीजिए और एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये ब्यूटी हैक जो है ये कैसा लगा है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारे शेयर्स कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।